हेलो दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं यूरोप का एक बेहद ही खूबसूरत देश पोलैंड। दोस्तों, पोलैंड मध्य यूरोप में बसा एक विकसित देश है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 3,12,679 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हमारे देश के एक राज्य मध्य प्रदेश के बराबर है। दोस्तों, आकार के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह दुनिया का 17वां और यूरोप का 9वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, पोलैंड देश अपनी सीमाओं को कुल 7 देशों से साझा करती है। इसकी पूर्वी सीमा बेलारूस और यूक्रेन के साथ, पश्चिमी सीमा में चेक गणराज्य और जर्मनी के साथ, उत्तरी सीमा में रूस और लुथानिया के साथ तथा दक्षिणी सीमा स्लोवाकिया देश के साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों, इस देश की राजधानी वारसा है, जो कि पोलैंड का सबसे बड़ा शहर भी है। लगभग 4.25 करोड़ आबादी वाला यह देश जनसंख्या के लिहाज से विश्व का 37वां और यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, अगर धर्म की बात की जाए तो इस देश में ज्यादातर लोग रोमन कैथोलिक धर्म को मानते हैं। दोस्तों, अगर साक्षरता की बात की जाए तो यहाँ के लोग 99% शिक्षित हैं। दोस्तों, अगर करेंसी की बात की जाए तो इस देश में पोलिश ज़लोटी चलता है, जो कि हमारे रुपए से 20 गुना ज्यादा मजबूत है। यानी कि एक पोलिश ज़लोटी बराबर भारत के 20 रुपए के बराबर होता है। यहाँ का कॉलिंग कोड +48 है और यहाँ के लोग दाहिनी तरफ गाड़ी चलाते हैं। विश्व का सबसे ऊंची इमारत का खिताब। दोस्तों, जैसे वर्तमान में दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत जहां बुर्ज खलीफा को माना जाता है, लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी, सन 1974 से लेकर सन 1991 तक पोलैंड की राजधानी वारसा शहर में स्थित रेडियो स्टेशन विश्व का सबसे ऊंची इमारतों में से एक थी, लेकिन वर्तमान में तकनीकी गड़बड़ी के कारण यह इमारत नष्ट हो गई है। सुपर ग्रीन कंट्री का खिताब। दोस्तों, पोलैंड को पर्यावरण संरक्षण के दृष्टि से एक बेहद ही अच्छा देश माना जाता है। दोस्तों, इस देश के कुल क्षेत्रफल के तकरीबन 35% हिस्से में घने वन है, जिस वजह से इस देश को यूरोप का सबसे सुपर ग्रीन कंट्री कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ के जंगलों में यूरोप के सबसे ज्यादा पेड़ की प्रजाति पाई जाती है। यही वजह है कि यहाँ पर 23 राष्ट्र उद्यान, 1250 से भी ज्यादा नेचुरल रिजर्व और लगभग 9000 से भी ज्यादा झीलें हैं, जिस वजह से इस देश को यूरोप का ग्रीन कंट्री कहा जाता है। अजीबो त्योहार का प्रचलन। दोस्तों, पोलैंड में सो क्रोन नाम का एक विचित्र प्रकार का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें लड़के अपनी पसंद की लड़की के ऊपर बाल्टी से पानी फेंकता है और अगर पानी से भीगी हुई लड़की उस लड़के के ऊपर लिली का फूल फेंक दे तो इसका मतलब यह है कि लड़की उस लड़के को पसंद करती है और उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। दोस्तों, बहुत ही अजब सा प्रचलन है यहाँ गर्लफ्रेंड चुनने का। आपको क्या लगता है, ऐसा त्यौहार हमारे देश में होना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वारसा लड़कियों का शहर। दोस्तों, पोलैंड की राजधानी वारसा को लड़कियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर में पोलैंड की किसी भी अन्य शहरों के तुलना में सबसे ज्यादा कुंवारी लड़की रहती है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है ना कि इनमें से ज्यादातर लड़कियों का बॉयफ्रेंड नहीं होता है। अब आप भला यह सोच रहे होंगे, यंग लड़की और बॉयफ्रेंड ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन दरअसल बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लड़कियां आसपास के देशों से यहां पढ़ने के लिए आती हैं और इनका ज्यादातर समय पढ़ाई में ही निकल जाता है, जिस वजह से यहां पर ज्यादातर लड़कियों का बॉयफ्रेंड नहीं होता है। पोलैंड की जनसंख्या वृद्धि बेहद कम। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर यहाँ के लगभग 40% आबादी को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिस वजह से पोलैंड की आबादी औसत स्तर से भी काफी नीचे चल गई है। दोस्तों, यही वजह है कि यहाँ की जनसंख्या वृद्धि काफी धीमी है। साथ ही पोलैंड की लड़कियाँ शादी तो कम उम्र में करना चाहती हैं, लेकिन बच्चे पैदा करना नहीं चाहती।
क्योंकि पोलिश महिलाओं का ऐसा मानना है कि बच्चे पैदा करने से उनकी शारीरिक ढांचा खराब हो जाएगी। दोस्तों यही वजह है कि यहाँ के शादीशुदा महिलाओं में लगभग 40% महिलाएं निसंतान हैं और बाकी बचे महिलाओं के अगर बच्चे हैं तो केवल एक ही है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पोलैंड की महिला अपने जिस्म की खूबसूरती को बहुत ज्यादा महत्व देती है। यही कारण है कि यहाँ की जनसंख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, जो कि पोलैंड के विकास में एक बहुत बड़ा बाधा है। दोस्तों यही वजह है कि यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने का सरकार के द्वारा प्रोत्साहन किया जाता है। दूसरा बच्चा लेने पर सरकार की तरफ से ढेर सारी सुविधा एवं गिफ्ट भी दी जाती है। महान खगोल शास्त्री का जन्मस्थल। दोस्तों पोलैंड के कार्को शहर में स्थित जिगियोलियन विश्वविद्यालय यूरोप का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। सन 1364 में खुले इस विश्वविद्यालय में एक छात्र सन 1490 में पहली बार बताया था, हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है और सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर नहीं बल्कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और यह छात्र और कोई नहीं दोस्तों, महान खगोलीय शास्त्र निकोलस कॉपरनिकस थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, निकोलस कॉपरनिकस से भी लगभग 1500 साल पहले हमारे देश के महान खगोलीय शास्त्र आर्यभट्ट ने ही बता दिया था कि हमारे सौरमंडल का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। लेकिन इसके बावजूद भी सोलर सिस्टम का समझाने का श्रेय हमारे देश के महान खगोलीय शास्त्री आर्यभट्ट को नहीं बल्कि निकोलस कॉपरनिकस को जाता है, जो कि बेहद ही अफसोस की बात है। दोस्तों साथ ही आपको यह भी बताता चलूं, दुनिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला मैडम क्यूरी का जन्म पोलैंड में ही हुआ था। दोस्तों मैडम क्यूरी को एक नहीं बल्कि दो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पहला 1903 में और दूसरा 1911 में। यूरोप का सबसे सुंदर और सस्ता देश। दोस्तों पोलैंड में ढेर सारी पुरातत्विक एवं ऐतिहासिक पर्यटक स्थल मौजूद है, जैसे कि खुदाई से निकला प्राचीन शहर वावेल रोवेल कोस्टेल, 2000 से भी ज्यादा झीलों का समूह मसूरियन लेक, यहाँ की ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं, कई सारे फेमस रिजॉर्ट और बाल्टिक सागर जैसे कई शानदार दर्शनीय स्थल मौजूद है। पोलैंड की यात्रा पर आने वाले सैलानी ट्रैकिंग, बोटिंग, फोटोग्राफर जैसा ढेर सारी एक्टिविटी का जमकर मजा उठाते हैं। दोस्तों यहाँ का हर शहर किसी न किसी खास वजह से फेमस है। दोस्तों यही वजह है कि इस देश को हर साल तकरीबन 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग विजिटिंग करने आते हैं। साथ ही पोलैंड की वारसा शहर में स्थित H15 होटल यूरोप का सबसे खूबसूरत एवं बड़े होटलों में से एक है। सन 1812 में खुला ये होटल अपने आलिशान मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। दोस्तों इस होटल में ग्राहक को हर वो सुख सुविधा दी जाती है जो कि ग्राहक अपने मन में इच्छा रखता है। दोस्तों इस होटल की विशेषता क्या है, इस बात के अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब जर्मनी ने वारसा शहर पर आक्रमण किया था तो केवल H15 होटल को छोड़कर पूरी शहर को बर्बाद कर दिया था। दोस्तों पोलैंड को यूरोप का चीप कंट्री भी कहा जाता है। अगर आप सस्ते में यूरोप का टूर करना चाहते हैं तब तो आप इस कंट्री को चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।